नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ICICI मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपका भी अकाउंट है ICICI में और आप चाहते हो ICICI मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना अपने मोबाइल में, तो आप बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हो। या फिर आपने दूसरा मोबाइल ले लिया है और आप चाहते हो कि उस मोबाइल से अभी शिफ्ट करना दूसरे मोबाइल में, और आपको उस टाइम भी एक्टिवेट करना पड़ता है, तो कैसे एक्टिवेट किया जाता है ICICI के मोबाइल बैंकिंग को, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए जान लेते हैं कैसे किया जाता है ICICI मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट अपने मोबाइल में। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं कार्डपट्टी.com। तो ICICI मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको ICICI मोबाइल एप्लीकेशन है उसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है और आई मोबाइल पे बाय ICICI बैंक करके है, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जैसे ये डाउनलोड होगा तो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इंडियन रेसिडेंट है या NRI है, तो मैं यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट हूँ इसीलिए यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर आप NRI है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट है इसीलिए इस पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लेट्स गेट यूर मोबाइल नंबर वेरीफाइड। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप मोबाइल में सिम कार्ड है वो सिम कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड सिम कार्ड इस मोबाइल में होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगा, अन्यथा ये प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो मेरा नंबर इसी मोबाइल में है और ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ICICI में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इसलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आपका सिम कौन सा है। मेरे पास ड्यूअल सिम है इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है। अगर आपका सिंगल सिम है तो डायरेक्टली कंटिन्यू कर देगा। मेरे पास दो सिम है इसीलिए यहाँ पे मैं पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ कंटिन्यू का बटन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये पहला वाला सिम है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ICICI बैंक में। तो यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ से मैसेज सेंड होगा और यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ से अकाउंट में से 0.38 पैसा यहाँ से SMS के लिए सेंड हो चुका है और यहाँ पे मुझे चार्जेस भी देने पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरा SMS चार्ज यहाँ पे लगा है। तो आपको भी SMS का पैकेज होना चाहिए, आपका अनलिमिटेड प्लान होना चाहिए। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका MPIN यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आप MPIN रखना चाहते हो 4 डिजिट का, वो MPIN यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं मेरा यहाँ पे MPIN एंटर कर देता हूँ, आप अपना कर सकते हो। MPIN एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, MPIN यहाँ पे इनेबल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा। तो आप किसके जरिए करना चाहते हो, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं डेबिट कार्ड के जरिए इसे ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड करता हूँ। अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग का ID यहाँ पे इंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल मैं डेबिट कार्ड सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ सिलेक्ट यूर बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है क्योंकि ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इसी वजह से। इसके बाद यहाँ पे BGK, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ BGK कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूछ रहा है BGK। तो यहाँ पे B का वैल्यू है 73, G का वैल्यू है 37 और K का वैल्यू है 04। तो ये मुझे यहाँ पे इंटर करना है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। वैल्यू एंटर करने के बाद, BGK की वैल्यू एंटर करने के बाद, नंबर एंटर करने के बाद सबमिट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो प्लीज नोट द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स विल बी 10,000। तो अभी मैंने ये सिर्फ एक्टिवेट किया है, इसी वजह से मैं 24 आवर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 10,000 ही ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं कर सकता। ये 24 आवर्स के लिए, इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑथेंटिकेट फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेट करना है, तो ये इसे मैं फिंगरप्रिंट के जरिए भी इसे ऑन कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ इस एप्लीकेशन को, और MPIN के जरिए भी। तो फिलहाल मैं MPIN फिंगरप्रिंट से भी इसे ओपन करना चाहता हूँ इसलिए अलाउ करूंगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑल द सेट। यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो चुका है, मेरे मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं बैलेंस चेक कर सकता हूँ, इसी के साथ यहाँ पे ऑल भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सेंड मनी कर सकता हूँ, बिल पे कर सकता हूँ, रिचार्ज कार्ड एंड प्रोडक्ट्स, माई अकाउंट की डिटेल्स, यहाँ से आप फेवरेट स्कैन एंड पे भी कर सकते हो, ऑफर्स भी बहुत सारे है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से ICICI मोबाइल बैंकिंग को कुछ इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो अपने मोबाइल में।